ये काला धन जो इकट्ठा किया है वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा, नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे, चुनाव जीतने के बाद करना है करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है, इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना, तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है, राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए।
आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जनमन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जनमन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। 12 के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने यह भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना? कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की ये सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे, शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे, ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे?
देखिए ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोद मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए, हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है और आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो मुझे, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम, भ्रष्टाचार की बंद होगी दुकान। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।